गाइस आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है मेरे आज के न्यू वीडियो में। तो मैं जा रहा हूँ कुकिंग करने के लिए और बनाऊंगा ये रही मैगी। तो मैगी बनाते गाइस अभी अपने पास मैगी बनाने की जो है हुनर है, टैलेंट है। बाकी आगे इंशाल्लाह हम लोग बिरयानी नल्ला पाया ये सब सीखेंगे अपनी मम्मी से बनाना, तो भी आप लोगों को तब बताएंगे, कुकिंग करके दिखाएंगे। और बाकी तो मैं बहुत सारी कुकिंग की वीडियोस डाल चुका हूँ, बहुत सारे हुनर है जैसे आलू कचालू ये सब मैंने किया था। और बाकी चलो अब शुरुआत करते हैं। रात के हो रहा है और रात में जो है मन किया है कि जो है मैगी खाया जाए, तो चलो मैगी पकाया जाता है और इसके अंदर पकाएंगे हम लोग। इसके अंदर डालेंगे तेल, कांदा, हरी मिर्ची, टमाटर, मसाला, हेन तेन सब, ठीक है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं हमारे वीडियो की। ओके, और ये रहा अरसलान। इस प्रजाति को आप लोग देखे ही होगी, ये हर वीडियो में दिखता रहता है ये लड़का। नमस्कार, आप लोगों को लोगों में से मतलब ये दुनिया का बाबू। लाइक सब्सक्राइब बोल दो, लाइक सब्सक्राइब चैनल को लाइक करना चाहिए। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो जो है मैंने ले लिया हूँ यहाँ पर सारे मसाले। आप लोगों को मेरा श्वेत कैमरामैन सब कुछ दिखाएगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो मैंने ले लिया है नमक, ले लिया है हल्दी पाउडर, और ले लिया है मिर्ची पाउडर, और ले लिया है टमाटर और कांदा, और ले लिया है पिरिच। तो गाइस इसको पिरिच बोला जाता है हमारी भाषा में, आप लोग बोलेंगे प्याला हेन तेन, हम लोग बोलते हैं पिरिच। तो इसकी भाषा ही अलग है। और असलान नीचे से मस्ती कर रहा है और श्वेब भी हमारा साथ देंगे वीडियो बनाने में और जो है मैगी बनाने में, क्योंकि असली असली मसाला और स्पाइस और बनाना कैसा है इसको मालूम है भाई, क्योंकि ये एकदम जानदार बनाता है। तो गाइस ये मुझे असिस्ट करेगा कुकिंग में और अपना कैमरामैन भी है मेरा भाई। तो इस बात के लिए लाइक करो और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। कैसे बनाने का? गुटका चुके हमारे विमल गुटका। आज बाबू तुम कहाँ गए थे घूमने? आज तुम कहाँ? तो मसाला ऐसे डाला जाता है आप लोग करीब इतना मसाला। हाँ तो इधर देखिए, इधर दिखा यार। तो गाइस अगर जैसे आप लोग नवी नवी बीवी हो, शादी वादी हुई है, तो आप लोगों को खाना पकाना नहीं आता है, तो मसाला देख लो इतना हल्का हल्का लेने का कि जो है पूरा आ जाए, मतलब हो जाए। तो हम लोग जो है अब नमक भी डालते हैं, हल्दी और मिर्ची डाली दी है, देख लो कितने वाले दिखा सर। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो मैंने मसाला कितना कमी लिया हूँ। तो ये हम लोग साइंटिस्ट वाला, जो साइंटिस्ट वाले लोगों करते हैं ना इन्वेंशन, कुछ ना कुछ तो करते हैं, मतलब मैं वो वर्ड भूल रहा हूँ, तो हम लोग वही करने आ रहे हैं। देख लो आप कितना कम लिया हूँ, बाकी मैगी मसाला तो पूरा भर के ही आने वाला है। नमक ज्यादा पड़ गया, आप देखते हैं आगे का सीन कैसा है। और बाकी जो है ना हरी वाली मिर्ची चाहिए, हरी वाली मिर्ची को भी काट काट के अपन डालेंगे मैगी के अंदर। और मैं आप लोगों को लग ही रहा होगा कि ज्यादा बातें हो रही है और मैगी कम बन रही है, तो गैस आप चालू कर दें और फिर हम लोग खाना पकाना चालू कर देते हैं। मैगी धार तो तगड़ी है यार, काम हो जाएगा। क्या बना रहे हैं यार ये वीडियो? चल गाइस देख ही सकते हो हम लोग जो है कांदा काट रहे हैं, कांदा काट के आप लोगों से मिलते हैं। देखो काट रहा है बाबू। कौन सा गाना सुना रहे हैं? अरसलान तेरे को तो मालूम है जब मैं मारता हूँ। हाँ, मालूम है इसको मार होते जाने। चलो अच्छा है। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो फाइनली जो है यहाँ पर अब हमारी गैस जो है वो ऑन हो चुकी है। तो अब हम लोग जो है लेंगे तेल, और तेल को फर्स्ट इसके अंदर डालेंगे, और वो भी लेंगे हम लोग रिफाइंड ऑयल। तो फिर इसको हम लोग डालेंगे यहाँ पे। अबे सरसों का तेल है बे रिफाइन की जगह पे। अबे भाई जल्दी फेंक, अबे उसमें पलट जा, नहीं जाने चल मिक्स आज। नहीं रुक, आज दोनों अबे कड़वा बनेगा फिर, मैं कोई नहीं खा पाएगा। नहीं कड़वा नहीं सही बनता मम्मी, पूछ गांव में सब यही सरसों का तेल चलता है। तेल हमारा सरसों और रिफाइन दोनों मिक्स हो गया है। हल्का सा हम लोग कांदा डाल देंगे, जितना कांदा लिए हैं, और जो है यहाँ पर कांदे को हम लोग यहाँ पर हल्का सा ब्राउन होने तक के जो है ना हम लोग इसको वो करेंगे फ्राई। तो वही कर रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखो कितना हो गया है डालते ही।
क्योंकि जो है मैंने आँच को जो है बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम पे रखा है। क्या आँच को, तो यहाँ पर अरे यार कांदा काला भी हो दिख रहा है, फटाफट से करना पड़ेगा। और इसी झोंड में जो है हम लोग ये भी डाल देंगे, और ये डल गया हमारा टमाटर। तो गाइस ये टमाटर भी हमारा डल गया है, और इसी के साथ हमको जो है हमारा तेल कम दिखाई दे रहा है, तो हल्का सा तेल हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर। ये नहीं है कि तुम इधर दिखा, तो ये नहीं है कि तुम जो है इतना टेस्पून जो वीडियो बनाते हैं ना, इतना टेबल स्पून जो है तेल ले लेना है हेन तेन, अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको कैसा बनाना है ना वही दिखाना चाहिए। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर कांड हो रहा है, कांड नहीं खाना मैगी पक रही है। तो फाइनली इसके अंदर जो है मस्त फ्राई हो रहा है, इसको हम लोग अब जो है इसकी आंच स्लो कर देंगे, स्लो कर दिए दोस्तों। तो गाइस ये देख सकते हो हमारे घर के अंदर मटका है, तो मटके वाला पानी हम लोग डाल देंगे, डायरेक्ट जो है हम लोग पानी डाल रहे हैं इसके अंदर। कांदा और टमाटर के बीच में डाल दिया हूँ मैंने पानी, और मसाला जो है मैगी मसाला मेरे को जो डालना है वही मैं डालूंगा फटाक से। और हम लोग यहाँ पर अपनी आँच को है जो तेज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कैसा हो गया है। ये देखो यहाँ का सीन आप लोग देख ही सकते हो। तो इसको ये थोड़ा अभी उबाल मारेगा, तब तक के जो है मैं मैगी का मसाला निकाल लेता हूँ और मैगी भी निकाल लेता हूँ फटाक से। जो है लाल मिर्ची थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, जितना मैंने कम लिया था उससे ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास जो है हरी मिर्ची है नहीं इस वक्त, तो हम लोग इसको बढ़ा देंगे। आप लोग देख ही सकते हो इधर पे, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा दिया हूँ, और बाकी जो है मैगी मसाला हो गया, हल्दी डाला हूँ, नमक डाला हूँ, तो उसको जो है हम लोग फटाक से मिला लेंगे, ऐसे से मिला लेंगे। और ये जो पानी के अंदर अपना कांदा और टमाटर जो पाउडर रहा है उसके बीच में ही मसाला भी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 मैगी का निकालेंगे अंदर, ये फैमिली पैक है। तो दोस्तों रात में मज़ा ही आ रही है, मैगी वैगी बना के खाएंगे, आप लोग भी घर पे बना के खाओ मेरे स्टाइल में। आओ इधर पे डालते हैं हम लोग मसाला, ये दिखाओ कैसा हो गया। देखो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है। अब इसी में मैंने डाल दिया मसाला, और आँच को मैंने बढ़ा दिया, और जो है पानी को भी मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पर फुल पानी डाल दिया 1 गिलास, और यहाँ पर मैंने पूरा मसाला को जो है अपने हाथ से करछुल के मदद से वो कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, और यहाँ पर निकालूँगा 3 मैगी के वो स्टेक्स, फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगा। तो मैगी का मसाला जो है जैसा होता है वो हो गया है फाइनली, और यहाँ पर जो है हम लोग डाल देंगे इसको। चलो बाबू अंदर जाओ आराम से, सब डल गया है। और इधर देखो 2 डाला हूँ अभी, और बाकी जो है पानी बढ़ाना पड़ेगा, इतने कम पानी में तो काम होने वाला नहीं है, तो पानी भी बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो पानी भी बढ़ाते हैं, और ये रेसिपी में जो है ज़्यादा मेहनत है नहीं, मतलब पानी बढ़ाओ, पानी डालो, मसाला डालो, कांदा डालो, टमाटर डालो। कांदा टमाटर ज़्यादा पब्लिक डालती नहीं, खाली मैगी निकालती है और अपना मैगी का मसाला डाल देती है। बाकी मैं तो अगर आप लोग ना ट्राई करना, टमाटर डालोगे ना तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है, मतलब एक जूसी तरीके का लगता है, एकदम खूबसूरत सा, तो वही सीन होता है। और बाकी इधर दिखाओ कैसा सीन हो गया है। अब ऐसे ही ये फुल आँच में चल रही है, और यहाँ पर ये पूरा कांड हो जाएगा अपना, मतलब वो गल जाएगा और पूरा ये अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो बस इंतज़ार करते हैं इसका पूरा वो कुक होने तक के। फाइनली जो ये देख सकते हो इधर पे इतना सारा घान हो चुका है, तो ये घान को हम लोग फटाफट से साफ करते हैं, क्योंकि सफाई एकदम नंबर 1 पे रहनी चाहिए, और नहीं तो मम्मी भी चिल्लाएंगी। तो फटाफट इसको एक चुटकी करते ही मैं जो है सफ़ा कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली देख सकते हो क्या ही सफ़ा हो चुका है, और यहाँ का सीन देख लो, पानी जो है मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया है, क्योंकि जो है पानी जलता है ना ये अपना बॉयल होने के टाइम पे। तो बाकी फुल आँच पे चल रहा है अपना गैस, और बाकी ये होता रहेगा इसके पूरा हो जाने तक के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस फाइनली जो है मेरी पूरी कुकिंग कम्प्लीट हो चुकी है, आप लोग फाइनली यहाँ पर देख ही सकते हो क्या ही खूबसूरत सी जो है मैगी बन चुकी है यहाँ पर, एकदम खूबसूरत सी। अब इसको जो है प्लेट में निकाल के सर्व करने की बारी आ चुकी है। रात के जो है 9:30 बज रहे हैं,
और श्वेम और मैं क्राइम रिपोर्ट के साथ, नहीं सॉरी कुकिंग रिपोर्ट के साथ में अब सर्व करते हैं। चलो बिना कोई देरी के देख। तो गाइस ये देखो क्या ही सीन है, अब इसको जो है मैं प्लेट में निकालूंगा, ये सर्व कर नहीं पा रहा हूँ दोस्तों बिकॉज आई एम अ नूब। नहीं ये चीज़ सर्व करने लायक ही नहीं है, इससे खाली जो है अपन बनाते हैं। अब सर्व करने के लिए मैं कुछ अलग करछुल लेता हूँ, क्या है अपना सूप भी आ जाएगा है कि नहीं। तो ये अपन निकाले यहाँ पे सूप के साथ में, क्या ही खूबसूरत सी मैगी यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो क्या ही मस्त निकल चुका है सामान पूरा। आज फाइनली आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर जो है सबकी प्लेटें लग चुकी हैं, और अब जो है सबको चेक करवाते कि कैसा बना है। देख सकते हो अब्बू आ चुके हैं काम पर से, और जो है अब्बू भी बोले हैं कि मेरे को भी जो है मैगी बना के खिलाना, तो हम लोग बना के खिलाएंगे। और जो है मैं रेडी हो रहा हूँ, वो बैठा हूँ आराम कर रहा हूँ, वो बॉयल हो रहा है ना इस वजह से। मैं परसों खाया था ना, कौन बनाया था, सोनी, बहुत टेस्टी, एकदम टेस्टी, बहुत मस्त था। और मैं तो ज्यादा मतलब मस्ती कर करके बनाया हूँ, अभी देखते क्या ही सीन होता है बनाते। उटाना डाला क्या? नहीं वटाना का है अपने पास, तो अच्छी लगती है। तो सब ये सब वटाना वटाना हिंट इनका मतलब इंतजाम पहले से किया जाता है गाइस, आप लोगों को भी मालूम है। तो अब जो है अपन, और यहाँ पर देख लो आप लोग गाइस क्या ही हो रही है भाई, मैगी एक नंबर, क्या ही सीन है यार इसका, खूबसूरत सा ना टेस्टी बन रही है गाइस, मतलब ज्यादा पानी भी नहीं ज्यादा कुछ भी नहीं, सब एक चीज एक नंबर सब कुछ। तो गाइस फाइनली देखो अब्बू जो है बैठ चुके हैं, और अब्बू अब पहला निवाला खाने जा रहे हैं, और श्वेब यहाँ पर, और यहाँ पर अरसलान। मैं शादी बनाया हूँ अरसलान के हिसाब से, क्योंकि मेरा बाबू भी खा सके, है कि नहीं बाबू? तो देखो हाँ नहीं तित्ती है, तित्ती है, लाल मिर्च डाला हूँ मैं। हाँ भाई तो खा के तो देखो। तो गाइस आप लोगों को मैं खा के दिखाता हूँ क्या ही जबरदस्त जो है बनी है। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, लेकिन जो उस दिन जो मैंने बनवाए थे ना अब्बू, उसमें पास्ता मसाला डलवाया था। अब्बू फुल मजेदार है ना गाइस, आप लोग भी आओ और खा लो मैगी, इतनी मस्त बनी है। जो मैंने बनवाया था अब्बू उसमें पास्ता मसाला डाला था, ऐसा है अब्बू अच्छी है, आता ना मुंह में ठूस लियो। तो गाइस क्या ही मत बनी है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी कुकिंग वाली, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ मिलते हैं किसी के न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय। बाप रे कसम से गाइस, इसकी वजह से मैंने इतना सादा बनाया मैगी, और इसने क्या कांड कर दिया, यहाँ पर बोलते हैं सागी मामू अच्छा नहीं लग रहा, तो पूरी सेजवान चटनी डाल दिया इसके अंदर। क्या बाबू मजा आ रही है, इधर देखो तुम्हारी हालत खराब है, जिस हिसाब से तुम ऐसा किए हो ना हालत खराब है तुम्हारी लग रहा है। तो गाइस थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखा दो पूरा खाता है कि नहीं।